Good morning, class 7th. So students, we have started our new chapter, chapter number 2, Interior of the Earth. And in this chapter, we have done the detailed study of the crust, the mantle and the core. And we have also done the detailed study of the types of rock. Only one rock is left, that is metamorphic rock, that we will discuss in this class. We have done the detail of igneous rock, we have done the detail of sedimentary rock. All the types, these two types we have done in detail in the previous classes. Now we will move forward to metamorphic rocks. Now ये हमारी book का chapter का third portion है. ये last आपके rocks का type हम कह सकते हैं. तीन parts में divide किया गया है आपके rocks को. First is the igneous rock जो कि lava के solidification होने की वजह से बनते हैं अंदर भी और बाहर भी. हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से ड्यू टू हाई प्रेशर अंदर चेंजेस वो बन जाते हैं. उसके बाद हम मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ अगर हम बढ़ें, फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू कम टू पेज नंबर 102. दिस इज द पेज एंड फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेज टॉपिक. सो यू कैन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज्ड बाय ग्रेट प्रेशर और इंटेंसिव हीट और बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज अपीयरेंस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू रॉक इज मच डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक. रॉक्स आर हार्ड. ना जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हम सभी केक बनते हुए कभी ना कभी हम लोगों ने सामने देखा होगा या टीवी में देखा होगा, केक का बैटर होता है वो लिक्विड ही होता है. लिक्विड के बाद हम लोग उसे ओवन में माइक्रोवेव में रख दिया हम लोगों ने, और उसके बाद या फिर घर में जैसे कुकर हो गया या और चीज़ें हो गई उसके अंदर बनाया जाता है. तो वो लिक्विड फॉर्म में था, बिकॉज ऑफ द हीट क्या हुआ, वो राइज अप हो जाता है. जो आपका फ्लावर होता है, ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा जिसे हम बोलते हैं, वो राइज अप हो जाता है. हमने उसमें चीज़ें डाली, उसकी वजह से क्या हो गया, वो राइज अप हो गया. तो यहाँ पर भी मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म था, उसका लिक्विड फॉर्म था, वो चेंज हो गया. यहाँ मेटामॉर्फिक की बात करें, जो कि एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक हैं, एग्जिस्ट पहले से करते हैं हमारे लैंड सरफेस एरिया में, एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जब ग्रेट प्रेशर की वजह से इंटेंसिव हीट उन पर पड़ती है, या फिर दोनों की दोनों और बोथ, कौन सी दोनों, प्रेशर पड़े या फिर हीट पड़े, या फिर प्रेशर और हीट दोनों पड़े, उनकी वजह से जब उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अपीयरेंस में या केमिकल कॉम्पोजिशन में एक नए बदलाव आते हैं, उस वजह से जो रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. ये ओरिजिनल रॉक से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है. हियर आई हैव मेंशनड दिस आल्सो एंड दिस दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड. जो अभी नए टाइप के रॉक बने हैं ये इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही बनते हैं, बट क्या है, इग्नियस और सेडिमेंट्री पे जब ग्रेट हीट इंटेंसिव हीट एंड ग्रेट प्रेशर पड़ता है तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं, वो बदल जाते हैं. जैसे हमने अभी केक का एग्जाम्पल लिया था, और ये रॉक जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, और ये ओरिजिनल रॉक से या फिर वो इग्नियस हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल शो किए गए हैं दैट ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, नीस में बदल जाता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में, शेल चेंजेस इनटू स्लेट, स्लेट वही जिससे हम लोग चौक वगैरह लिखते हैं, इतनी पतली सी स्लेट आती है, अभी आगे हम देखेंगे इनकी डिटेल्स, कोल चेंजेस इनटू ग्रेफाइट, लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल, मार्बल वही जो हमारी ज़मीनों पर बिछाई जाती है. अब यहाँ हम इसकी डिस्कशन देख लेते हैं, इन सभी की डिटेल है. टू इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल मार्बल एंड स्लेट. इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन दैट मार्बल किससे बनती है, लाइमस्टोन से, और लाइमस्टोन हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था, ये लाइमस्टोन है. लाइमस्टोन ड्यू टू हीट एंड प्रेशर किस में बदल जा रहा है, ये मार्बल में बदल रहा है. एंड वेट फॉर अ वाइल, येस, टू इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स मार्बल एंड स्लेट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस. स्लेट यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड, चॉक यूज फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड. जो ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट जो चॉक वाला जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें जिससे आप लिखते हो, वो चॉक कहाँ से बन रहा है, वो आपका यहाँ से बन रहा है. एंड ग्रेफाइट यूज फॉर मेकिंग पेंसिल. पेंसिल जो है उसके बीच में से जब हम शार्प करते हैं तो ब्लैक कलर का जिस पोर्शन से आप लोग लिखते हो वो ग्रेफाइट से बना होता है. तो वो किससे बना है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ग्रेफाइट किससे बना था,
कोल चेंजेस इन टू ग्रेफाइट, तो कोयला भी हीट और प्रेशर की वजह से क्या बदल गया, किस बदल गया, ग्रेफाइट में, आर मेटामॉर्फिक रॉक. ये थे क्या पहले, ये थे तो मेटामॉर्फिक बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ प्रेशर, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फॉर्म से बदल गए. क्या बदल गए, यहाँ पर कुछ बदले हुए रॉक्स का एग्जाम्पल है. और ये जो रॉक है ना, ये इन कंपेरिजन टू द लास्ट टाइप ऑफ रॉक हार्ड होते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया. So by this topic we have completed all the types of rocks. We have done the igneous rock in the previous classes. Now we have done, sorry, in the previous classes we have also done the sedimentary rock, and now we have done the metamorphic rock. Now we will move forward to rock cycle. Rock cycle होती क्या है? Cycle means इस तरीके से गोल 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 घूमना, मतलब जहाँ से जले हो वहाँ से आप वापस आ जाओगे. Cycle का मतलब, यहाँ पर rock cycle का भी मतलब ये है कि जहाँ से इस rock की formation हुई वापस घूम के वही rock बन जाएगा. कैसे, द रॉक दैट फॉर्म द अर्थ्स क्रस्ट अंडरग्रो अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू चेंज, दे आर कंटिन्यूली डिस्ट्रॉयड एंड रीमेड इन एन एंडलेस प्रोसेस कॉल्ड रॉक साइकिल. सी, पहले इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, ये तीन तरीके के रॉक्स हमने पढ़े. अब यहाँ पर बात की जा रही है द रॉक्स दैट फॉर्म अर्थ क्रस्ट अंडरग्रो अ कंटिन्यू प्रोसेस, जो आपके अर्थ के क्रस्ट है, लैंड सरफेस एरिया है, उसका जो रॉक है वो कई चरणों से होकर या स्टेप से होकर गुजर कर इस दौरान में या इस प्रोसेस में पहुंचता है. दे आर कंटिन्यूली डिस्ट्रॉयड एंड रीमेड, बार बार वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, वापस बनाए जाते हैं. एक कंटिन्यूसली एक चक्कर है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसे हम रॉक साइकिल बोलते हैं. डिफरेंट तरीके से समझाने के लिए आगे डिटेल भी दी गई है. इट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस रिसाइकलिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड देयर कन्वर्जन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. बोला जा रहा है कि इग्नियस रॉक पहले तो जमीन के अंदर लावा था, उससे इग्नियस रॉक बना, वो वापस ऊपर आए, ठीक है, फिर उसके बाद वो चेंज हो जाता है, वो ट्रांसपोर्टेड होता है, सेडिमेंट्री में बदल जाता है, फिर सेडिमेंट्री का मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक का इग्नियस. ये पूरी साइकिल है, ब्रीफ डिटेल में बता रही हूँ मैं. तो ये जो एंडलेस साइकिल है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. और अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि साइकिल बनती कैसे है. चलिए, इंपॉर्टेंट लाइन है येलो कलर वाली, पे अटेंशन टू वर्ड दिस. इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. बिल्कुल, हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे इग्नियस रॉक, मैं आपको वापस से वो फोटो दिखा देती हूँ. इग्नियस रॉक बनता कैसे है, जब मैग्मा ऊपर आता है तो वो लावा कहलाता है. मैग्मा लैंड सरफेस एरिया के अंदर हम उसे मैग्मा बोलते हैं, और जब वो बाहर आता है तो लावा. जब लावा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर था वो बदल गया, अंदर उसे गर्मी मिल रही थी और बाहर उसे ठंडक मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है. सो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. रॉक फ्रेगमेंट इरोडेड फ्रॉम इग्नियस रॉक. अब हमने इरोजन और डिपोजिशन देखा था, टूट फूटने वाली क्रिया. इग्नियस रॉक पर उससे इरोजन होता है, छोटे छोटे पत्थर है वो टूटते जाते हैं, गिरते जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. अब हमें बताते हैं सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है. सेडिमेंट जमा होते हैं, जमा होते हैं, जमा होते हैं, जमा होते हैं, फिर उन पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो रॉक की फॉर्मेशन उनकी हो जाती है. तो इग्नियस रॉक से कुछ पार्टिकल्स गिरे, वो दबे, फिर दबे और दबे और दबे और दबे, दबने दबने की वजह से क्या हुआ, डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक आर एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक एज एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक. ये हम लोगों ने देख लिया था. तो ये तीनों एक दूसरे से, एक तीसरे से कोरिलेटेड हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर रिजल्टिंग केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. व्हेन द मेटामॉर्फिक, अब आता है तीसरे पे, इग्नियस रॉक कैसे बना, लावा निकला, लावा निकल के बाहर ठंडा हुआ, बाहर जब ठंडा हुआ तो उसके रॉक पार्टिकल्स जो थे वो धीरे धीरे गिरने लग गए, धीरे धीरे गिरने लगे, तो एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी, इस तरीके से जब लेयर्स बनने लगे तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं. सेडिमेंट्री और इग्नियस के ड्यू टू हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं. अब मेटामॉर्फिक रॉक का क्या होता है, वो से इग्नियस बन जाता है. व्हेन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बरीड डीप, व्हेन इज द अर्थ इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर चेंज देम इनटू मैग्मा. जब आपके जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये समझाती हूँ. ये देखिए मैग्मा है, ये बाहर निकला, उसके बाद ये क्या है, आपका इग्नियस रॉक बन गया. ये छोटा सा लावा है, वैसे इस लावा से इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है इस डायग्राम के अंदर. तो ये बन गया इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक पे वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, उसने क्या किया, सेडिमेंट्स बना दिए. ये सेडिमेंट्री रॉक हो गया, ठीक है, ये नीचे से सेडिमेंट्री रॉक देख रहे हो. अब इस सेडिमेंट्री रॉक
वेरी बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर पड़ते जा रहा है पड़ते जा रहा है पड़ते जा रहा है, तो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। मेटामॉर्फिक रॉक वापस से बरिड हो जाता है, मतलब उसमें जो टेम्परेचर है उसका हाई होता है, टेम्परेचर हाई होगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर उसके बाद वापस ये मैग्मा में कन्वर्ट हो गया आपका मोल्टेन मैग्मा वाला जो सॉरी मेटामॉर्फिक वाला जो रॉक है, फिर वो ऊपर गया, फिर इग्नियस, फिर नीचे सेडिमेंट्री दब दब के, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक, फिर इस तरीके से आपकी जो साइकिल है ना वो चलती रहती है, नेवर एंडिंग साइकिल है ये। ये तरीके से हम लोगों ने दो, ये जो पिक्चर है वो आपकी बुक के अंदर दी गई है और ये पिक्चर इंटरनेट से ली गई है। नाउ वी विल डिस्कस अवर लास्ट पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, की क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, हमारे लाइफ में कुछ काम भी आते हैं या नहीं आते हैं। सो मैन, अगर हम देखें दिल्ली से आगरा, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो रीड कर देती हूँ। जब हम दिल्ली आगरा जाएंगे तो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लाइक ताजमहल हो गया जो 7 वंडर्स में इंक्लूडेड है, जो वाइट मार्बल से बना हुआ है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि मार्बल किसके कन्वर्ट होने से बनता है, 7 अजूबों में शामिल है। रेड फोर्ट दिल्ली जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है, सैंडस्टोन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है आपके सैंडस्टोन मेनली मिलते हैं। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में जो मार्बल से बना हुआ है, जैसलमेर फोर्ट जो कि येलो लाइमस्टोन से बना हुआ है, रॉक कट टेम्पल जो उड़ीसा में है एंड तमिलनाडु आर मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक, ये सारी या फिर चार्नोसाइट एंड ग्रेनाइट, ये सारे जो एरियाज है ना, हम बोले कहीं ना कहीं किसी ना किसी पत्थर से बने हैं। तो हम यहाँ बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स की, यूज़ क्या है। सो स्टार्ट करते हैं, मैन हैज़ यूज रॉक मिनरल्स एंड स्टोन्स इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से हम लोग उसको यूज़ में लेना स्टार्ट कर चुके हैं। स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज, ऑल आर बेस्ड ऑन द ऑन यूज़ ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय मैन। देखिए स्टोन एज में पत्थर का यूज़ किया जाता था, कॉपर एज में हम लोग कॉपर का यूज़ करने लगे, आयरन एज में हम लोग आयरन का यूज़ करें, तो हर टाइम पीरियड में हम लोगों ने रॉक का यूज़ किया ही किया है, हमारे द्वारा रॉक का यूज़ हुआ ही हुआ है। रॉक्स कंस्टिट्यूटेड ऑफ सॉलिड क्रस्ट फ्रॉम रॉक कंस्टिट्यूट ऑफ सॉलिड क्रस्ट, उनका हैवी क्रस्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दे फॉर्म डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, रॉक की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं, पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज हो गए और बहुत सारे लैंड फॉर्म्स उससे बनते हैं। मिनरल्स, अब हम बात करते हैं मिनरल्स, सो मिनरल्स डिराइव्ड, एक बार मैं इसको अलग से इंडिकेट करती हूँ, मिनरल्स डिराइव फ्रॉम रॉक्स आर इकोनॉमिकली, मिनरल्स डिराइव फ्रॉम रॉक, मिनरल्स हमें किससे मिल रहे हैं, अभी हमने रॉक की तो तारीफ कर दी, रॉक की तारीफ करने के बाद हमें मिनरल्स की भी तारीफ करनी है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो रॉक्स से ही हमें मिनरल मिलते हैं और द रॉक्स आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग मिनरल्स इनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एक्सेट्रा यूज इन इंडस्ट्री, गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तो क्या है मिनरल्स हैं जो कि हमें रॉक से मिल रहे हैं। मेटल्स यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, कोल पेट्रोलियम फ्यूल देता है हमको, एटॉमिक मिनरल यूरेनियम रेडियम हमारे लिए एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं मेडिकल पर्पजेज में भी, और कुछ मिनरल्स जो हैं फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर क्या देखा है, हमने इस क्लास के अंदर रॉक्स के पूरी डिटेल देखी है, कैसे रॉक बनते हैं, 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों की फॉर्मेशन देखी है। उसके बाद हम लोगों ने रॉक साइकिल भी देखा है, किस तरीके से आपकी रॉक है वो अपने ओरिजिन वो अपने फॉर्म में मैग्मा के तौर पर होती है और वापस वो मैग्मा ही बन जाती है, फिर वापस ये जो एंडलेस आपकी साइकिल है वो चलती रहती है। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल विच वी हैव डन इन दिस क्लास एंड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।